महाप्रभु जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के पावन अवसर पर देश विदेश के अपने करोड़ों श्रद्धालु जगन्नाथ भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। यह वरदान का विहगा अवलोकन पृष्ठ में आपको श्री मंदिर का सिंह द्वार दिखाई दे रहा है। यह देखिए प्रतिदिन किस तरह से श्री मंदिर में जो व्यवस्था होती है, आज रथों के ऊपर ये चलते फिरते मंदिर के ऊपर ये व्यवस्था आप देख रहे हैं। मैं अपने विश्व के तमाम श्रद्धालु जगन्नाथ भक्तों को ये अवगत करा दूं कि यह सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त लौकिक और अलौकिक का एक समागम है। एक ऐसा आनंद में चेतना विश्व मैत्री के प्रतीक महाप्रभु जगन्नाथ की पवित्र रथ यात्रा है। जो रथों पे चित्र करते हैं, इस रथों में जो इतने सुंदर चित्र बने हुए हैं पार्श्व देवी देवताओं के, इनकी स्थापना जब नव कलेवर होता है तभी ये नई मूर्तियों की स्थापना की जाती है और इसी स्थापना पे ही उसके बाद ये अगले नव कलेवर तक ये यही पे पार्श्व देवी देवता रहेंगे। और पट चित्रकार पट्टियों की जो होती है चित्रकार करते हैं और प्रभु के रंगों की व्यवस्था शुद्ध स्वार नियोग करते हैं। बहुत ही सुंदर रंग से पार्श्व देवी देवताओं का अंकन किया जाता है। आप देखिए पार्श्व देवी देवताओं की स्थापना भी एक छोटे छोटे मंदिर के रूप में है। दोनों तरफ स्तंभ पीले और लाल रंग में और बीच में भगवान जी की मूर्ति रखी हुई है जो कि आशीर्वाद की मुद्रा में है। और इसमें आप देखिए जो रंगों का जो इस्तेमाल किया गया है वो शुद्ध रंग है। इसमें किसी भी प्रकार के सिंथेटिक या अलग रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गेरू है, तूतिया है नीला धोता के लिए और सफेद रंग के लिए शंख का किया जाता है। तो पार्श्व देवी देवता हर रथ के अलग अलग होते हैं और क्योंकि तीनों रथों के देवी देवता जब अलग हैं तो उनके पार्श्व देवी देवता भी
अलग अलग रहते हैं जो कि इनके साथ जाते हैं। कभी एक की पृष्ठभूमि पर ठहराती हुई ये ध्वजाएं मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रही है। अब देखिए जैसे जैसे कैमरा मतलब हमें वो दृश्य दे रहा है जहां पर रहे हैं कि इसमें से रथ कौन सा, ये सिंह द्वार, ये वो जगह है वो अपने भाई बहन और आयुध सुदर्शन के साथ उसी समय में निकलने वाले हैं। पहाड़ी करते हुए ये खंडवादक इस बात की सूचना दे रहे हैं कि अब थोड़ा ही समय रह गया है, महाप्रभु की वीति नीति चल रही है और बस महाप्रभु बाहर पहाड़ी करते हुए निकल कर आएंगे। खंडवादकों को अगर हम देखें तो वो खंड ध्वनि जैसे उनके सारे शरीर में प्रकंपन ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। अमूमन सामान्य वर्षों में जब यहाँ पर भक्तों से भरा हुआ होता है, हालांकि भक्तों की संख्या कम है लेकिन भक्ति बिल्कुल भी कम नहीं है। यहाँ पे हर एक भक्त अपने तरह से भक्ति का अर्घ्य महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा है, चाहे वह मंगल वादन करते हुए भक्त क्यों न हो और यहाँ पे छत्र झामर धरे हुए मतलब लोग दिखाई दे रहे हैं और ये निकल चुके हैं सुदर्शन। सुदर्शन शून्य पहाड़ी में आते हैं। सुदर्शन सूर्य का प्रतीक है। सूर्य अर्थात तेज, सूर्य अर्थात प्रकाश, तीक्ष्णता। और यहाँ पर सुदर्शन बड़ी ही तेजी से मंदिर से निकल चुके हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हुए शून्य पहाड़ी में, शून्य पहाड़ी अर्थात ये पद हुंडन नहीं करते। जिस प्रकार से जगन्नाथ और बलभद्र पद हुंडन करते हुए आगे बढ़ते हैं, कदमों से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो सुदर्शन है वो भक्तों के साथ आराम से शून्य पहाड़ी में निकल कर चले आते हैं। सुदर्शन के ऊपर हम टाहिया देख सकते हैं। ये टाहिया जिस प्रकार से बलभद्र एवं महाप्रभु जगत भाई साथ में है लेकिन सुरक्षा की योजना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने अपने आयुध सुदर्शन को उनके रथ पर आसीन करने हेतु भेजा है और ये शून्य पहाड़ी में आकर सुदर्शन जो है रथ पर आसीन हो जाएंगे। आगे के धारा विवरणी हम संस्कृत में सुनते हैं। हमारे यहाँ एक शाश्वत परंपरा रही है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो हम बाहर जाकर भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि हमारे भक्त ही हमारे लिए सबसे अधिक समंदर की साक्षात रूप में बड़े भाई बलभद्र पद हुंडन करते कंधे से कंधा मिला अपने सेवायतों के साथ मिल करके धीरे धीरे उनका आगमन इस बात का संदेश दे रहा है कि जहाँ चाह है वही भक्ति है, वही भगवान। यह धर्म कानन पुरुषोत्तम क्षेत्र और जो दृश्य भी आप देख रहे हैं अपने नियम पर चलकर धर्म कानन का वास्तव है जहाँ पर गत वर्ष भी एक वो जो आप रस्सी देख रहे हैं ये रस्सी भी रेशम की डोर इसको कहते हैं, रेशम के पाट के वस्त्रों से खोल के बनाई गई है ताकि
विग्रह को कहीं भी वो अपने ये विग्रहों को अपने भक्त जो है अपने भगवान के रूप में नहीं देखते, अपने साथी के रूप में देखते हैं, अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखते हैं, ताकि उन्हें कहीं कष्ट ना हो, उनकी चमड़ी या छाल कहीं छिल ना जाए। इसीलिए देखिए ये बलभद्र को जब रथ के ऊपर उठा रहे हैं, वो तो विशाल है, बड़े भाई हैं, और उनकी शक्ति का भला कौन सामना कर सकता है। इस तरफ से देखिए बलभद्र रथ के ऊपर आ रहे हैं, उधर 22 पहाज से बाहर माँ सुभद्रा आ गई है। तो बता रहे हैं कि इनको जब रथ पे उठाते हैं तो वो जो रेशम की डोर है वो भी रेशम के पाट वस्त्रों को आपस में जोड़ के उस रस्सी को बनाया जाता है, ताकि उन्हें बहुत ही आराम से शालीनता से सम्मान के साथ वो ऊपर उठा सके। इतना अपूर्व दृश्य, पूरे मंदिर की तरह दिखते हुए ये रथ, और उसके ऊपर जा रहे हैं भगवान स्वयं बलभद्र जी, जो जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं, जो वीरता के प्रतीक है, शक्ति के प्रतीक है, संग्राम के प्रतीक है, जो कृषि संपदा के प्रतीक है। और यहाँ पर जब बलभद्र जी का जन्म होता है राखी पूर्णिमा के दिन, सभी बहनें जिनके भाई नहीं होता या जिनके भाई दूर होते हैं, वो बलभद्र जी को राखी बांधती है। देखिए कितना पूर्व आत्मीय संपर्क है बलभद्र जी के होता है। जगन्नाथ संस्कृति में पुराण है, इतिहास है, लोक परंपराएं हैं, शावर संस्कृति है, इन सभी संस्कृतियों को साथ में लेकर चलता है ये चलती है ये जगन्नाथ संस्कृति। माँ सुभद्रा अब अपने अपने मंदिर the devotees, they were afraid of coming here. And as the devotees were not able to come here, Lord Jagannath or Lord Vishnu, they made an appeal. It is believed. It is in the mythology. And just to give way to the devotees, the Lord allowed the ferocious and the fearful look of Sudarsana, and he asked him to take the form of a stump, and he remains on the left side of Lord Jagannath on the bejeweled throne in the sanctum right inside the temple, the 12th century edifice. And here is Lord Balabhadra, the white face at the eldest of all siblings. He had already come in the Pahandi. On the outset, we saw the Pahandi of Lord Sudarsana. And after that, now Balabhadra is there. And another Lord Sudarsana has alighted the chariot in the warfields by the warriors also. And this is another way of defending oneself. This is a defensive way. And if one moves the tethered rope or the tethered ball in such a way, nobody can hit that person, that sports person with the arrow or with any arm. See, some time back I had an understanding that Chinese people, they have also adopted the use of Banati. And there was one display where the arrows were fired from all sides, but the person was not found being hit with the arrows because the movement was so fast. And here is the attention. All attention is on the movement of Lord Jagannath there. And everybody is waiting for that. And this is Pahandi, and particularly this Pahandi is called the Nadi Pahandi, or the movement in a queue. And singular movement is there. This is very different from the Goti Pahandi, when the lords are to, or the deities are to alight on. It used to be there because black metal road, as we find it today, it was not there a long time back, more than hundreds of years back. So when the giant chariots were ruling on the macadamized road, it was producing a huge noise, and that was creating a fearful atmosphere for the Westerners, particularly the European travelers, and particularly the missionaries, those who were coming to India. And the sky is very bright, even though it is not a very, very sunny day. It's very cool, and temperature is very moderate because of the rains that we had in Puri last night, and temperature is about, say, it has a good... अपूर्वां लीलां रचयितुं श्रीमन्दिरतः बहिः विराजते।
तस्य पदवन्नम यात्रा पाण्डि यात्रा इति उच्यते सः पदवन्नम कृत्वा भक्तेशः सम्प्रति श्रीजगन्नाथं फलप्रदः अस्ति शर्मप्रदस्ते अवश्यं पुण्यभाजः भवन्ति तत्रैव उक्तं तस्मिन् ग्रन्थे विष्णोर्नवामूलतनो जिस तरह की तैयारी कर लिए 33 करोड़ देवी देवताओं के प्रति देवी देवता है उन सबों का समाहार अगर कोई है तो महाप्रभु जगन्नाथ संसार में जितने भी देवता है अभी सेवकगण जो उनको कंधे से पकड़े हैं कठुआ जो पीठ से धर के रहे हैं पिठुआ वो सभी सेवक रथ यात्रा है ये जो सेवकगण है ये भी तो भक्त हैं जो बलवान जवान They will be, or he will be, or she will be met with the same man or the woman. And that is why if you look at the image, then you find the nose ring also is there. आँख सूर्य एवं आपकी बाई आँख चंद्र अब देखिए महाप्रभु का जो सबसे प्रिय आभूषण है वो है तुलसी महाप्रभु चाहते क्या है महाप्रभु भाव चाहते हैं भक्ति चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो कुछ भी समर्पित करो भाव से युक्त होकर समर्पित करो वे पत्र पुष्प फल और तोय को नहीं बल्कि एक बार हृदय में महाप्रभु ने वास कर लिया तो वहां पे अब मैं के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता अहंकार के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता जो हमने दृश्य अब देखा था कि नाच रहे थे झूम रहे थे ये भी एक तरह की भक्ति है उस भगवान की कि पूरी शिद्दत के साथ अपने नृत्य के द्वारा भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें हर एक इंसान चाहता है कि अपनी अपनी कला के अनुसार हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर पाए और वही मनमोहक सा दृश्य हमें नज़र आया जब हमने कुछ भक्तों को नाचते झूमते हुए देखा भगवान की भक्ति करते हुए देखा अपने नृत्य प्रदर्शन के रूप में और हो भी क्यों ना ये नृत्य एक ऐसी कला है जो शायद भगवान के भी बहुत करीब है और जिस तरह से हमने देखा जब मंदिर से बाहर निकले भगवान तब उन्हें भी झूमते हुए नाचते हुए लाया गया ऐसा माने कि भगवान भी नाचते हुए झूमते हुए रथ पर सवार होना चाहते थे और वही एक लुभावना सा दृश्य हमें नजर आया था भगवान भी चाहते हैं कि सारे और आकाश सर्व शांति प्रद और सुख प्रद आज तीनों रथों पर एक एक करके अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं जहां आध्यात्मिक चेतना की बात आती है जगत गुरु शंकराचार्य अपने भौतिक सुखों का त्याग करके लगभग 7 दशकों तक प्रतिदिन केवल जगन्नाथ संस्कृति भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में अपने आप को लगाए यह संदेश कि प्रभु की सेवा ही मानव जीवन की सबसे बड़ी सेवा है और मानव सेवा का एकमात्र आदर्श अपने अपने अंदाज से दर्शनार्थ आगवानी कर रहे हैं और वे एक एक करके तीनों रथों पर जाएंगे महाप्रभु से लेकर चतुर्धा देव विग्रहों को अपना आत्मनिवेदन प्रस्तुत करेंगे कल एक अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने ये बात बताई कि हम लोग भले ही श्री मंदिर के पूजा पाठ रीति नीति के निर्धारक हैं लेकिन वास्तव में हैं तो भक्त ही ना हमारे मन में भी भक्ति है हमारे मन में भी महाप्रभु की सेवा है और इसी के लिए हम आते हैं और हमारा पूरा जीवन आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से महाप्रभु जगन्नाथ के लिए समर्पित है इनका गोवर्धन मठ अपने 9 कलेवर के साथ अब
बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। इनके मठ पर जिस तरह से इनके प्रवचन होते हैं, वे सचमुच जगन्नाथ संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। 2012 पहली बार पुरी के गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंह देव जी के कुशल नेतृत्व में